नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की उसमें क्या क्या इतिहास है उसको जानने की कोशिश भी कर रहे थे किताबों में भले ही हमने जाना सोचा समझा पढ़ा लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं इतिहास में जो हम सुने अनुभव से पाए तभी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं इस कविता के जो लेखककार हैं वो है यशपाल शर्मा जी पठानकोट से आइए उनका स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद कि समय दिया कुछ कहने का जी आपकी हम कविता चिराग में से राष्ट्रवादी ले रहे थे जिसके हमने एपिसोड फिलहाल दो या तीन कर दिए हैं आपने इसमें इतिहास को टटोलने की कोशिश की होगी या कुछ जाना होगा कुछ समझा होगा फिर शायद ये कविता आपने बनाई होगी और मुझे जहाँ तक लगता है इतिहास में पूरा भारत आता है पूरा जितने भी भारत में ये चीज़ें बनी हुई हैं वो इतिहास में आती हैं आज़ाद जैसे कहा जाता है कि भारत एक अंत समय तक फिर आजाद हो ही गया आज आपकी पंक्तियाँ पढ़ते हैं देशभक्त है वतन की धड़कन राष्ट्र का होते स्वाभिमान जन कल्याण कर्म करते समझ प्यारी यह संतान देशभक्ति का भाव होता न जग देश होते अभिराम न जीवन सुंदर सपने होते मानव जीता पशु समान अंग्रेजों मुक्त कराने भारत लाल बाल कुर्बान हो गए नन्नी कलियां कोमल फूल गोरों के शिकार हो गए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर दिल थोड़ा सा टहल जाए इसमें कहा गया है नन्नी कलियां कोमल फूल गोरों के शिकार हो गए क्या कहना चाहते हैं जी जी राजगुरु सुखदेव को उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अंग्रेजों को अपने बम के द्वारा धुएं के बम के द्वारा सचेत किया था कि आपको हमारा देश छोड़ करके चले जाना चाहिए जी हम इस भारत के हैं और आयादी है जो है हमारा जन्म से अधिकार है अदी हमारा जन्म से अधिकार है जे ये बाल गंगा दा तुर्क ने जैसे शब्द कहे थे जब ये धरती हमारी है इस धरती पे अधिकार हमारा है हमारा जन्म जहाँ पे हुआ है जो हमारी जन्म भूमि है कर्म भूमि है धर्म भूमि है और पुण्य भूमि है तो तुम्हें यहाँ पे हमारे ऊपर रजे करने का कोई अधिकार नहीं तो वो फांसी लटकाए रोल्ट एक्ट के विरोध में सन उन्नीस में एक साइमन कमीशन अंग्रेजों ने भेजा ये देखने के लिए कि भारतवासी आजादी संभालने के, के काबल है या नहीं है और उसमें जो शिष्टमंडल इंग्लैंड से आया तो वो जिसके नेतृत्व में अगुवाई में आया उसका नाम था साइमन तो सबने विरोध किया कि ये इसमें आने वाले सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज हैं वो हमारे बारे में वो क्या सोचेंगे लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध किया, -किया गया जुलूस निकाला गया और उस जुलूस को रोकने के लिए उसको भगाने के लिए साडस नाम का एक जो पुलिस अफसर था पुलिस का मतान था उसने लाला जी के छाती पे इतनी इतनी चोटें मारी इतनी लाठियां बरसाई कि लाला जी का देहांत हो गया लाला जी ने मरते मरते जो शब्द कहे थे कि मेरी छाती पे पड़ी हुई एक एक अंग्रेज की जो लाठी है जो लहू जो है गिरा हुआ एक एक लाठी जो मेरे ऊपर पड़ी है एक 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 जो अंग्रेज के कफन का कील होगी और आखिर में मेरा देश आजाद होगा उनकी मृत्यु हो गई उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ भारत के कोने कोने में बहुत विरोध हुआ और उसके बाद दूसरी घटना थी बख्स सिंह राजगुरु सखदेव का यहाँ से आ, उनको फांसी दी गई जी अंग्रेजों के ज्यो ज्यो आजादी की जो क्षमा थी वो जल रही थी विरोध बढ़ रहा था तादाद देश को याद करवाने के नर नारियों की बढ़ रही थी और गांधी जी ने एक ऐसा योग आंदोलन चलाया था जिसमें उसने उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी सर्विस करने वाले हैं वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को तोड़ो और सर्विस सर्विस छोड़ दो तो बच्चों ने कॉलेजों में स्कूलों में सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और जो विदेशी माल था उसकी चौराह के ऊपर होलियाँ जो होली चलानी शुरू कर दी कि हमने स्वदेशी जो बना हुआ सामान है हमने वो खरीदना है विदेश का ये जो जहाँ से कच्चा माल जा करके पक्का जहाँ बना करके लाते हैं और हमसे हमारे देश का जो धन है लूट करके जा रहे हैं तो गांधी का वो जो ऐसे जो आंदोलन था रोल टैक्ट के विरोध में वो बहुत कामयाब हुआ तो आगे इतिहास ये कहता है कि कांग्रेस में दो दल बन गए एक दल गर्म था एक दल नरम था नरम दल के नेता गांधी जी थे कि इन लोगों से अंग्रेजों से बातचीत करके अहिंसा के रास्ते से हम अपने देश को आजाद करवाएंगे और जो गर्म था उनमें लाल बाल पाल थे लाला लाजपत ला राय ने पंजाब केसरी भी कहा जाता है कि ये पंजाब के एक शेर हैं और उस समय जब एक अखंड भारत था अंग्रेजों के अधीन तो पंजाब के उनतीस जिले थे उस उनतीस जिलों में लाला जी लाला लाजपत ला राय जी ये एक शेर की तरह जाने जाते थे इसे पंजाब केसरी का नाम दिया गया कि ये दहाड़ने वाले हैं जी और इनमें विरोध पैदा होगा बात एक ही थी के देश को याद करवाने की ही ही ही। जब ये सारा कुछ लाला जी की मृत्यु होगी विरोध बढ़ा आखिर इन्होंने सोचे कि क्या किया जाए जी। पहले ये था कि तो हमें थोड़ी थोड़ी रिया सहूलतें दी जाए उसके बाद एक इनका समागम कांग्रेस पार्टी का लाहौर में हुआ तो इन्होंने राबी नदी के किनारे पे आकर के एक कसम खाई एक प्रस्ताव पास किया कि हम पूर्ण आजादी जो है वो लेंगे उसको उसका प्रस्ताव पास किया और वहीं से अपने जो मुहिम थी देश को आजाद करवाने की वो तेज से तेज होती गई और उस गर्म का दल के जो नेता थे नेताओं में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे वो पहले नेता थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के आईसीएस पास की जैसे आजकल आई कहते एस कहते उस समय जे चौथे नंबर पे आए थे तो अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नौकरी देनी चाहिए जी। जैसे ही रिजल्ट आया जी। और अंग्रेजों ने तैयारी की कि इसे सिविल में भेजा जाए उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया तो नेताजी का विरोध उसके बाप ने बहुत किया उनके बाप भी बहुत बड़े वकील थे तो बाप के कहने के विरोध उसने कहा मैं अंग्रेजों के गुलामी नहीं मैं सहन नहीं करूंगा हम अपने देश को आजाद करवाएंगे जी 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 तो नेताजी नेताजी को कई बार गिरफ्तार किया गया उन्हें यातनाएं दी गई मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उनको कंडम करने की कोशिश की गई नेताजी जैसे कैसे भी हुआ छुप करके छुप करके श्रद्धा देश में जाकर के जापान में चले गए जापान की सरकार के साथ मिलकर के इन्होंने अयाध हिंद फौज की स्थापना की क्या बात है? उनके साथ ये एक एग्रीमेंट बनाया कि हम जो आपका यहाँ पे जो विश्व युद्ध होने वाला है जो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है जी। तो हम मेरी जो सेना है अयाध हिंद फौज की वो जापानी फौज की मदद करेगी और जब आप अंग्रेजों को हमारे देश से निकालेंगे तो वो देश की वो देशा में आपको हवाले करना पड़ेगा तो वहाँ पे जय हिंद का नारा लगाया कि जय हिंद और उस समय जो नेताजी थे वो जब भाषण करते थे तो कहते हैं कि जो बैठने वाले थे जो उसमें उस महफल में, में जब जो उसमें सुनने का भाषण सुनने के लिए उनके जो खून था वो खोलने लगता था वो कहते थे कि आप मुझे खून दो, दो मैं और मैं आपको आजादी दूंगा।, दूंगा तो जापानी सेना बढ़ते हुए अंग्रेजों को रौनते हुए जो इनके उपनिवेश थे जिनमें सिंगापुर था मलाया था ब्रह्मा था जिस सारों को रौ हुए वो जापानी फौज आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा पे प्रवेश किया अंग्रेज जापानी अंग्रेज, अंग्रेज, फौज ने तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं जे हमें बर्बाद करके रखेंगे अमेरिका उसका में में था था। अंग्रेजों के पक्ष रहा तो उन्होंने 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन जापानी सेना ने इसलिए घुटने टेके थे अंग्रेजों के आगे जी। हार स्वीकार थी बिना किसी शर्त के, जी। के अमेरिका ने दो आ, दो एटम बम जापान के बहुत बड़े जो शहर थे नागासा की हीरो शमा उस पर गिराए थे शहरों के शहर बर्बाद हो गए थे लाशें ही लाशें लहू ही लहू ही था आखिर जापान को हार स्वीकार करनी पड़ी थी एक प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त को ही क्यों 16 भी हो सकती थी सितंबर हो सकता था जून हो सकता था जनवरी हो सकती थी फरवरी हो सकती थी पंद्रह so, अगस्त ही क्यों पंद्रह अगस्त ही क्यों hmm. अंग्रेजों ने पंद्रह अगस्त का दिन इसलिए चुना कि जापानी जो सरकार थी उसने पंद्रह अगस्त को ही अपनी हार स्वीकार की थी अपने अहम को अपने ताज को जो उच्च रखने की खातर उन्होंने पंद्रह अगस्त को ही बात को जाती दी ये उसका मूल कारण है <laughs> बहुत अच्छा बहुत अच्छा <laughs> सरभा डिंगरा उधम सिंह समा आजादी परवाने फांसी फंदे चुम चुम थे देश प्रेम के गाते गाने तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा पुकार वतन से करने वाले सोए लोगों में वीर सुभाष अदम्य साहस भरने वाले सबल विदेशी कोम से गांधी बिन हथियार लड़ने वाले सत्य अहिंसा के शास्त्र से आजादी अर्जित करने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्वतंत्रता को रक्त बहाया गोरे ने देख प्रबुद्ध भारती भारत तंजे मन बनाया माँ बहनों व देशभक्तों का लगन श्रम बलिदान रंग लाया कांपते हाथों अंग्रेजों ने आजादी का दीप जलाया सबसे पहले अंग्रेज लोगों ने यह मन बनाया था कि हम यहाँ पर टिकने वाले नहीं हैं उन्नीस सौ में जब जापानी सेना ने अंग्रेजों के सामने फौज सहित हथियारों सहित अपना समर्पण किया तो उस समय नेताजी एक जहाज में बैठे जी। बाद में उनकी एक कहा गया कि उनकी जो एयर क्रैश हुआ है और वो मर गए हैं। किंतु इतिहास ये कहता है कि मरे नहीं थे। को रूस भी उस समय अंग्रेजों और अमेरिका के साथ था उन्हें रूस की जेल में रखा गया अच्छा। जहां के उनका अंत समय बीता अच्छा तो ये सारी राजनीतिक खेलें थी जो अंग्रेजों ने कुछ भी करने के लिए देश को पीछे खींचने के लिए जे जे सारे ड्रामे रचे तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं मैं। जी जरूर जिस समय देश की आजादी की एक बहस चल रही थी इंग्लैंड की असम्बली में तो उस समय जो चर्चल था वो पहला प्रधानमंत्री था उस समय वो प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री था जी सो तो उसके शब्द मुझे आज भी याद आते हैं और वो शब्द आज भी मैं देखता हूं कि चरितार्थ हो रहे हैं जो उन्होंने उस समय कहे थे उन्हें कहा था कि भारत के जो लोग हैं ये तिनकों से बने हुए हैं जी आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं अगर हम इन्हें आजादी देंगे ये संभाल नहीं पाएंगे और भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो खो जाएगा hmm. आज हम देखते हैं ये कानून चाहे तलाक का हो चाहे सीए का हो चाहे तीन सौ सत्तर का हो चाहे राम का हो जी. तो विरोध पे विरोध होता है सही को सही को में हमारे नेतागण जो वो मुझे पीछे हटते हैं कि ये hmm. पार्टी एक कहीं जो वाह वाह ना ले जाए जी आगे ना निकल जाए एक दूसरे को पीछे करने में पीछे करने की है कि इनको क्रेडिट क्यों मिले hmm. ये जो झगड़े हैं ये क्यों मिट रहे हैं अगर झगड़े मिट जाएंगे तो हमारा दाम चलेगा कैसे ही 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 ही। तो उस समय मुझे जब देश के नेता हिंसा करवाते हैं तोड़ फोड़ करवाते हैं मरता कौन है गरीब का बच्चा मरता है नेता का बच्चा नहीं मरता जी। अमीर का बच्चा नहीं मरता जी, जी, जी। तो वो लोगों को बच्चों को भड़काते हैं खुद सड़कों पर बैठते हैं आगे करके उनके पीछे वो वो, पिछले डोर से वो निकलते हैं जी, जी, खुद सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरे जो फोर, आ, अपने राष्ट्र की ही तोड़ करवाते हैं करवाते हैं वो किसका नुकसान मतलब अपने है? भारत को वाला एक भारतवासी भी है भारतवासी यह नेता लोग इनके पीछे खड़े हैं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जी मैं किसी पार्ट से बार बार कहता हूँ कि मैं किसी पार्ट से संबंधित नहीं हूँ कितनों एक शिक्षक होने के नाते एक भारत का नागरिक होने के नाते एक राष्ट्र प्रेम का भाव जो हमारे मन में है और एक साहित्यकार के, ना, के नाते चैतन्य साहित्यकार के नाते मुझे जी, कुछ भी कहने जी, में जी, जी, जो मुझे लगता है जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ जो मैं सोचता हूँ जो मेरे मैं अपने साथियों से विचार करता हूँ जो लोगों से मैं सुनता हूँ वही अपना वही जो बैठ करके मैं अपने मन की बात करता हूँ कि चर्चिल के जो शब्द है वो आज भी चर्तार्थ हो रहे हैं कि जितने खुद बने हुए लोग हैं ये इतिहास के बारे में आपको इतना जानकारी कैसे क्या कुछ अनुभव ऐसा पाया या फिर आपने किताबें पढ़ी या फिर गुरुओं से जाना या कुछ ऐसा देखा इतिहास के बारे में आपको इतना कई घटक है इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ जी पहली बात जी दूसरा मैंने सैतीस साल सरकारी जॉब की है बच्चों को भी पढ़ाया तीसरी बात मैंने आज तक उस लिखा जी मलाला के ऊपर ला एक है मलाला एक उपन्यास लिखा जी तालिबानी का इतिहास पढ़ा वो लड़की को क्यों गोली मारी वो देखा जी आज लड़की वो कहाँ की कहाँ है लड़कियों की शिक्षा के लिए उसने अपनी जान को प्राण को हथेली पे रख दिया जी जी जी, जी। और जी, एक करिश्मा था कि उसे दो गोलियां मारी गई एक उसके से यहाँ और एक पीछे और वो बच गई ईश्वर का कृष्मा है जी कृष्मा है और आज वो मला आज है आज गोली मारने वालों को कौन जान रहा है कोई नाम नहीं जानता गोली मारने वाला कौन था किंतु मलाला को दुनिया जान रही है आज जिसने गोली खाई उसको किसने गोली खाई है और जो वो काम उसने किया है आज भी वो लड़कियों की शिक्षा के लिए महिलाओं के और मुस्लिम मुसलमनों में तो कुछ बंद से ज्यादा होती है पाकिस्तान में हमारे भारत में हर जो लड़की है महिला है उससे अपनी आवाज़ उठाने का शिक्षा लेने का अधिकार है खुले घूमती है किंतु पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है वहाँ पे वो बंदिशे हैं तो कभी मलाला सोचती कि ये बंदिशें कैसे दूर होंगी जब तक मेरे देश की बच्चियाँ मेरी बहनें ये शिक्षित नहीं होंगी नहीं होंगी नहीं जी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकती जैसे हमारे भारत में हर लड़की जागरूक है पढ़ने वाली को अपना हक है कि वो शिक्षा प्राप्त करे अपना साथी चुने और कोई भी कर्म में आगे वो अपना अपनी प्रतिभा के आधार के ऊपर अपना वो जो कर्म है या जो पेट पालने का रोजी रोटी का मसला है वो अपना हल कर सकती है वो एक पायलट बन सकती है एक प्रोफेसर बन सकती है डॉक्टर बन सकती हुँ। हुँ। है इंजीनियर बन सकती है कुछ भी बन सकती है तो पाकिस्तान में अभी भी ऐसा नहीं है तो इतिहास में पढ़ता रहता हूँ इतिहास में लिखता रहता हूँ इसलिए ये सब मुझे याद है जब मौका आता है तो मैं कहने से पीछे नहीं हटता हूँ जी वो हम आपकी इस कविता में देख भी लिया पढ़ भी लिया और आपको समझने की पूरी और पंद्रह सैतालीस को जब भारत आजाद हुआ जी। तो डफली थी समय अनपढ़ लोग थे उनको उकसाया था हम काफ्र हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो उसमें मुस्लिम लीग बनाई थी और उसके पीछे जो तार हलाने वाले थे वो अंग्रेज कौम थी कि ये लोग कामयाब ना हो सके एक हुए तो हमारे साथ हमें हम हमारे लिए जहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा दो फाड़ किए एक देश को दो भागों में बांटने का जो नक्शा था उनके दिमाग में था ऊपर से तो वो ड्रामा करते थे कि तुम्हारा देश ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ सांप्रदायिक सौ संभाव होना चाहिए सौहार्द होना चाहिए वो कैसे हो सकते हैं हुक्मरान पार्टी उनको उकसाती है जमींदार लोग जो हैं रईस लोगों को अपने साथ ला करके उनको बड़ी बड़ी पदमियां दे करके साथ जोड़ा था इन लोगों को दबा करके रखो इनको पैरों के नीचे रखो इनको उठने मत दो और जो जमी थे मयारों के साथ क्या नहीं करते थे उनकी बहू बेटियों के साथ सुंदर स्त्रियों के साथ अपने मयारों के साथ वो जितनी मर्जी जी, उनकी जी, कमाई ले जाते जी, जी, थे वो बोल नहीं सकता था थाने रिपोर्ट करने वाला कोई रहा नहीं थे गोली मार देते उसकी हत्या करवा देते कुछ भी करते गालियां देते जो भी करते जलील करते और कहीं उनकी सुनवाई नहीं थी क्योंकि अंग्रेज सरकार उनके पीछे थी पुलिस उनके पीछे थी उनको कहा गया था नौकरी करनी है तो जो कहते हैं भाई आपको करना होगा तो जुल्म पे जुल्म चलते गए पंद्रह अगस्त जब आजाद हुआ तो कोई नेता नहीं मरा इतिहास में कहीं कोई लाइन मैंने नहीं पढ़ी है कि कोई नेता पंद्रह अगस्त जब हुई देश का विभाजन हुआ इधर से उधर जो नेता लोग गए तो कोई मरा नहीं किसी की मृत्यु नहीं हुई किसी वंश का कोई नुकसान नहीं हुआ जी। और जब ये सारी प्लानिंग इनकी थी और हमारे जो पंजाब ही एक ऐसा प्रांत था जिसका बंटवारा होना था पाकिस्तान जो जो बंगाल था उसका तो हो चुका था लॉर्ड कर्जन के जमाने में 1906 में बंगाल जो था उसके दो तो टुकड़े हो सके थे एक पश्चिमी बंगाल एक पूर्वी बंगाल तो पूर्वी बंगाल जो है वो हमारे पास और जो पश्चिमी बंगाल था वो उनके उनके पास है वो वो तो पहले हो चुका था बंटवारा सिर्फ हुआ किसका पंजाब का पंजाब का। तो पंजाब का।, तो का जो बंटवारा किया गया वो लॉर्ड लॉर्ड क्लिफ था वो एक वकील था जो लंदन में रहता था उसको जहाँ पे ये जिम्मेदारी दी गई सरकारी अधिकारी कर्मचारी दिए गए नक्शे दिए गए कि इसके ऊपर इस ढंग से बांटिए कि जहां ज्यादा मुस्लिम है वो इलाका पाकिस्तान को दिया जाए जो, जो भारत लगने वाला है और जहां पे हिंदू है मैं हिंदू मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो हिंदुस्तान के साथ जो उसको उसको जोड़ा जाए भारत का जोड़ा जाए तो नक्शे के ऊपर बांट जब उसने कर दी और वो आजादी की जब घोषणा होनी थी उससे पहले ही पांच सात दिन वो पहले निकल गया था इस डर से कि ये मुस्लिम हिंदू कहीं मुझे मारना, मारना दे, ना दे। वो पहले भाग गया था जो तो ये नेता लोगों ने एक प्लैंड वे से लोगों का जो पलायन था इधर से उधर करना था एक प्लैंड वे से करते तो लाखों की तादाद में मुसलमान मरते ना हिंदू मरते और सबसे पहले जो मुहिम मारने की चलाई वो पाकिस्तान से जो गाड़ी लाहौर पहुंची वो, वो जो पहुंची वो हिंदुओं के लाशों से भरी हुई थी वहीं से सारा ये था जो संप्रदाय जो जो थे एक दूसरे की जो मार काट मार थी वहीं से शुरू हुई थी फिर हिंदुओं ने भी वही शुरू किया जो अंग्रेजों ने उनको रास्ता दिखाया जो मुसलमानों ने रास्ता दिखाया आखिर में हुआ क्या वंश के वंश बर्बाद हो गए कहा कौन रह गया कहीं कौन गया कोई पता नहीं है हिंदुओं की जो बहु बेटियां थी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया उनको मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन किया गया उनमें और उनकी जो गाथा है उनकी जो एक और खड़े कर दे को हिला देते दे बनी है हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि क्या क्या नहीं Hmm. एक भारत देश को आजाद करने के लिए क्या, क्या क्या नहीं हुआ क्या क्या नहीं किया गांधी जी ने एक नारा लगाया था किस देश के टुकड़े या पाकिस्तान अगर बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा गांधी जी की लाश के ऊपर तो पाकिस्तान ने बना लोगों की लाश के ऊपर ही बना उसमें हिंदू भी मारे गए मुसलमान भी मरेगा जो कौमे थी दोनों कौमों को बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ तो खून की नदियां समय, और उस समय अंग्रेजों ने कहा कि हमारा एक जलियां वाले हत्या के ऊपर आपने इतना शोर मचाया था अब आप शोर क्यों नहीं मचाते हो ये दुनिया में पहला सा नरसंहार था जो लोग एक दूसरे के ऊपर कर रहे जितना खून बहा वो दुनिया में कभी इतना कोने में नहीं कोने में नहीं बहा था जितना हिंदू और हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के विरोध में उसमें किया था और कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं इतिहास में कि लोगों ने अपनी बहु बेटियों की इज्जत की खातर उनको खुद अपने हाथों से काटा हाँ जी इतिहास मैंने जब पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू चल जी 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 ऐसे भी कुछ एकदम हमारे इतिहास की कुछ आ, फिल्म बनी हुई है जहाँ पर ये सब देखने को मिला भी है so आजादी है। तो मिली किंतु बड़े दर्द के साथ बड़े दुख के साथ, दुख के साथ, लहू की जो लहू था लोगों का बेगुना वो बह निकला मिली तो फिर भी आज़ादी अगर जे जे नेता लोग हमारे हिंदू और मुसलमान अगर जे दोनों मिल बैठ करके एक प्लानड वे से लोगों के इधर-उधर करते तो जे कुछ ना होता वंश के वंश जो है भी विनाश उनका ना होता और बड़ी कीमती जो जाने थी वो बच जाते जी और अंग्रेजों को हमारी बुद्धि के ऊपर हमारी क्रूरता के ऊपर कत्लेआम के ऊपर उंगली उठाने का और उपहास करने का मौका रहा मिलता भावी पीढ़ी प्रेरणा स्रोत कर्म कर्तव्य कर्म का है अवतार अमरदीप यह भारत के इनसे गौरवमय इतिहास भारत का इतिहास बड़ा गौरवमय है जी मैं फर्क के साथ कहता हूँ जी को जो पीरों ऋषियों मुनियों की जो धरती है ये सब मतलब भारत एक सात रंगों से बना हुआ है बिल्कुल ये एक रंग अलग अलग देशों में भले ही है हाँ। लेकिन भारत सात रंगों से बना हुआ है भारत में एक खासियत है कि अनेक भाषाएं हैं अनेक जातियों के लोग हैं जहां पे किंतु एकता का सूत्र इनमें एक है सौहर्दय एक है और जे जो बाहर के जो लोग आए वो भी इसमें रस्ते बसते चले गए जो हमला बार है उनमें जो यहीं बहुत ज्यादा ठहर के, उनको ये मुल्क बहुत अच्छा लगा वो जो हमला बार थे वो वो भूखे नंगे देशों से आए थे वहा था ही कुछ नहीं ना नदियाँ थी ना ऐसी प्रकृति थी ना उपजाऊ धरती थी ना यन धन था वहां पे सोने की चिड़िया देखो ना हमने भूखे नगे में क्या जाना है यहीं बस रिस जाओ तो अनेक जातियों का जो समावेश है वो जहाँ रह गए और एकता का सूत्र एकता के सूत्र ने प्यार के सूत्र राष्ट्रवाद के सूत्र ने राष्ट्र प्रेम के सूत्र ने लोगों के एकता के सूत्र में बांध रखा है जो एक बड़े गौरव की बात है ये गुलदस्ता है जो कई जातियों नस्लों भाषाओं को है और बड़े अपने प्रेम के साथ एक दूसरे के जो त्यौहार आते हैं दिवाली हो या मुसलमानों के ईद हो जो मिल कर के मनाते हैं दावते देते हैं खुश होते हैं और उनको आ, उनके आना जाना उनका होता है मुबारकबाद देते हैं एक अच्छी बात है जी जी जे जी जीवत जातियों का ये एक इतिहास है जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है भारत बड़े फूले दुनिया में अपना नाम रोशन करे ऐसा हम कहते आए हैं परमपिता पिता परमेश्वर ये फिर एक बार ये धर्म गुरु बने और दुनिया की महान शक्ति बने जिसके आगे चाइना जैसे अमेरिका जैसे भी माथा टेकने को तैयार हो जाए आपने भारत के बारे में पूरा इतिहास बताया इस राष्ट्रवादी कविता चिराग किताब में से ली गई आपने बहुत एक मन को भावपूर्ण कर दिया इतिहास बताकर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों समय अब समाप्ति की ओर जा रहा है अगली कड़ी में एक नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद ओम शांति